प्रज्ञां सुप्रतानै स्थिरचरनिकरं व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांष्टविष्टान् पुनरपि धीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वकृति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्या दुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए, आगम प्रकरण मतलब स्तुति वाक्य के आधार पर जगत की मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है, जगत के नित्यत्व को दिखाने के लिए जो प्रकरण है आगम के आधार पर स्तुति वाक्य का। अभी हम लोग सातवां मंत्र में, सातवां मंत्र में क्या दिखाना चाहते हैं, जो वस्तु जहाँ पे है उसी वस्तु का वहीं पे निषेध है, और ये हमारे अनुभव में है जो वस्तु जहाँ पे है उसी वस्तु का यदि हम वहीं पे निषेध करते हैं उसी वस्तु का मिथ्या बोलते हैं, तो पारमार्थिक वहाँ पे वस्तु था ही नहीं, केवल प्रकृति मात्र हुई। इसीलिए यहाँ पे जिस मतलब अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अथवा तुम्हारे जो आनंद घन मूर्ति वाण आनंद भोग, इस प्रकार जो हमारा तुल्य आत्मा के ऊपर दिखाई पड़ रहा था वो उसी में निषेध होकर आप तुल्य स्वरूप का प्रतिपादन करना चाहते हैं। यहाँ पे भगवान भाष्यकर ये कहना, देखो भाई प्रमाण का फल केवल मात्र अज्ञान को नष्ट करना, अज्ञान को नष्ट करके उसमें और कुछ अतिरिक्त तो वस्तु का आधान करेगा ये जो है प्रमाण का काम नहीं, केवल वस्तु को प्रकाश कर देना। इस प्रकार अंधेरा केवल मात्र अज्ञान को ही नाश करते हैं। अंतिम जो हमारा वृत्ति है मतलब प्रमाण मतलब शास्त्र वाक्यों का प्रश्न क्या है, अंत प्रज्ञ ही भविष्य प्रज्ञ नहीं सुना, इससे आपके अंदर वृत्ति उत्पन्न हो रहा है कि मैं ये नहीं, ये नहीं है, ये वास्तविक कल्पना थी। ये वृत्ति उत्पन्न होते होते एक समय आएगा जैसी शुद्ध होगा मतलब उसको समर्पण मन हटेगा, तो एक वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति वो क्या करता है, हमारा जो परिच्छिन्नात्मक वृत्ति था उसको एक शरीर में जला करके बस फिर अपने आप भी नाश हो जाता है। आप इसका आप क्या एनर्जी का भी नाश हो सकते हैं। आप ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेकेंड लॉ है, तो जैसे भी है एंट्रोपी थर्ड मतलब एंट्रोपी जो है सेकंड थर्ड, तो वो एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर में कुछ चेंज आ जाता है। अच्छा तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है हमारे समय, तो हमारे समय में थोड़ा आ जाओ सेकंड थर्ड डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज है, दैट इज एंट्रोपी। तो एनी हाउ अब ये जो हमारा जो वृत्ति हमारी अज्ञान को नाश करके नाश हो गया वो कहाँ गया, इस प्रकार देखो इस लकड़ी में आग है, इस लकड़ी को जला करके ये आग कहाँ जाएगा, समष्टि तेजस में मिल जाते हैं, समझ पाते हैं। अभी एक लकड़ी में जला हो तो समष्टि तेजस से वही आप परिचिन्न रूप में यही एनर्जी को अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से एक वृत्ति ज्ञान क्या करते हैं, अपने जो वृत्ति ज्ञान हमारा जो अज्ञानात्मक वृत्ति है मैं जाकर प्रसुषुप्त में मतलब वश्य इस वृत्ति को नाश करके क्या करते हैं, वो समष्टि ज्ञान में एक हो जाता है। ज्ञान कहीं गया नहीं, वो ज्ञान अपने विद्यमान रहेगा, अपने विद्यमान रहेगा, अपने आवश्यकता अनुसार उसको निकालिए किसी उपाधि के माध्यम से स्वरूपभूत होकर के कहीं उसी प्रकार हमेशा एक ही प्रकार है, निकालना हो तो किसी उपाधि के माध्यम से निकाल दीजिए। ये सिद्धांत है, वैदांतिक सिद्धांत है, और वो एक क्षण में ही नाश करता है, एक क्षण में ही नाश करता है। कल हम लोग इस भाष्य को पढ़ लेते देखिए, ठीक है ना, हमारे फंडामेंट मतलब मुख्य चीज ये समझना है हमको, निषेध सुनते 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 जब ये नहीं है तो कौन रह जाएगा, मतलब सारा निषेध हो जाने के बाद वो वृत्ति क्या करता है, जो निषेध के प्रति हमारी तादाद मत आती यहाँ पे उसको जला देती, जला करके वो वृत्ति अपने आप ही नाश हो जाता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति था केवल ब्रह्म ही रह जाता है, ना आकार रहता है ना वृत्ति रहता है, ब्रह्माकार वृत्ति। इस प्रकार ईंधन आरूढ़ अग्नि ईंधन को जला करके समष्टि बन्नि तेजस के साथ एक हो जाता है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और यही हमारा थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत यही है, मतलब अंदर में यही दिखाते हैं।
और ठीक यहाँ भी यही है, मतलब दृष्टान्त दृष्टान्त में कुछ भिन्नता है, समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। यहाँ भी वो ब्रह्माकार वृत्ति, हमारे जो वृत्तियारूढ़ चेतन, वृत्तियारूढ़ चेतन, वो जो चेतन संबंधित अज्ञान था उसको नाश करके अपने आप विनाश होता है। नाश नहीं होता, समष्टि चेतन के साथ एक होता है, समष्टि चेतन के साथ एक हो जाता है। और वो भाव आपका रहेगा जिस समय आवश्यकता हो आप उसको निकल के समझ सकते हैं। उपाधि के साथ होगा, निरुपाधिक भाव हमेशा रहेगा, उपाधि के साथ वृत्ति होता है। ये चीज जो है मतलब अब समझने के लिए आसान है, शब्द में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए मैं ऊपर से समझा दिया, आप आइए शब्द में आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए एक चीज, जिस प्रकार आपका वृत्ति ज्ञान आपका चिदाभास को नाश कर दिया, मतलब परिच्छिन्नता को नाश कर दिया, फलत क्या हो गया, आपका जो ये मैं परिच्छिन्न स्वामी सर्वानंद हूँ ये वृत्ति को नाश कर दिया, फलत क्या हो जाएगा, प्रमातृत्व चला गया, क्योंकि प्रमातृत्व अध्यक्ष आ रहा था। प्रमातृत्व कैसे आया, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके मैं प्रमाता हूँ, इंद्रिय के साथ व्यवहार करते प्रमाण है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये सारा जो है नाश हो जाता है। क्यों, प्रमाता ही नहीं रहा तो प्रमाण प्रमेय कहाँ रहेगा, उसमें नहीं तो अस्मत नहीं तो उसमत कहाँ से आएगा, परिच्छिन्न अस्मत नहीं तो उसमत कहाँ से दिखाई देगा, व्यापक अतमस्थिर हो जाएगा, है ना। इसी को हम समझाने के लिए देखिए कितना सुंदर बोल रहे हैं। अभी कल मैं यहाँ तक पढ़ लिया था कि तथा च वक्षति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति, ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरिक क्षणांतर अनवस्थना अनवस्थाने च अनवस्थ अवस्थाने च अनवस्थ प्रसंगा द्वैत अनिवृत्ति। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऊपर टीका हमने नहीं पढ़ा था, टीका के साथ दोबारा पढ़ेंगे इसको, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। आइए किंच इस पे मैंने पेज 50 सेकेंड पैराग्राफ, पेज 50 सेकेंड पैराग्राफ टीका, उसके साथ भाष्य में चले जाएंगे। ठीक है, किंच घटादि जडस्य संविद अपेक्षत्वात् तत्र संविद मान फलत्ते अपि न आत्मनि अजडे संविद एकताने मानस आरोपित धर्म निवर्तकत्वम अंतरेण संविद जनकत्व व्यापार संभवति इति आह। ठीक है, और भी देख लो, मतलब जिस पहले क्या बोला था, जिस प्रकार छेदन क्रिया करने वाला जो जो वस्तु दो दो पार्ट को अलग एक करके बना रखा, वो केवल मात्र उसी को अलग करने में व्यापृत होते हैं, उससे भिन्न उसका कोई काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञान शरीर और आत्मा में तादात्म्य करा रखा, ये निषेध ज्ञान क्या करेगा, उस तादात्म्यता को छोड़ करके और मिला मिटा करके समाप्त हो जाएगा, फल तो क्या हो जाएगा, आप अपने स्वरूप ज्ञान अपना अपना को इम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं किंच, और भी देखो घटा दे, कल एक दृष्टांत में और दिया था कि सूर्य की किरण को आप दर्पण में लेकर के किसी विशेष वस्तु को देखने के लिए दिशा में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, परंतु सूर्य की किरण दर्पण में लेकर के सूर्य को देखने का कोशिश करें तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसको प्रकाशित नहीं करते, वो तो स्वयं प्रकाश है, अब उसको उसको अलग करके प्रकाशित नहीं करता। यद्यपि सामान्य प्रकाश विद्यमान है, चिदाभास के द्वारा किसी वृत्तियात्मक प्रकाश के द्वारा उस विशेष वस्तु को प्रकाश करते हैं, और फिर साक्षी क्या बोलता है, इसको मैंने जाना। ठीक, अब क्या हुआ, अपने दर्पण के द्वारा उस प्रकाश को लेकर मतलब अपने चिदाभास में ब्रह्मकार वृत्ति बना करके ब्रह्म की प्रकाश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो फल व्यक्ति नहीं होगी, मतलब उसको प्रकाश नहीं कर, मतलब मैं इसको जाना, मैं घरा को जाना, पट को जाना, मठ को जाना, मैं ब्रह्म को जाना, ऐसा वृत्ति कभी नहीं होगा, फल व्यक्ति नहीं प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाश को तो दिखाई देगा आपको, सूर्य की किरण को जब दर्पण में लेकर एक उधर देखेंगे तो दिखाई देगा, अनुभव में आ जाएगा, सूर्य को नहीं देख पाएगा, यहाँ पे दृष्टांत दृष्टांत में भिन्नता है, सूर्य दिखाई पड़ता है, वहाँ पे दर्पण में आपको प्रतिबिंब देख करके बिंब समझ में आ जाएगा स्पष्ट, परंतु वहाँ पे क्या होगा, मैं अपने को जाना, ये वृत्तियात्मक नहीं है। अब यहाँ पे बोलते हैं किंच घटादि जडस्य संवित अपेक्षता, घटादि जड़ वस्तु है वो प्रकाश करने के लिए चेतन की अपेक्षा रखता है, ठीक है ना, चेतन की अपेक्षा रखते हैं, तत्र संविद मान फलत्व, वही उसका प्रमाण का फल है कि मैंने इसको जाना, ये ज्ञान ही आपको सुंदर ज्ञान प्रमाण का फल है। कभी न आत्म नहीं, परंतु आत्मा में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों, आत्मा अजड़ है, चेतन है, अजड़े, और वो कैसे है उसका स्वरूप, संविद एकताने प्रज्ञान घन एव चेतन चैतन्य घन एव संविद एकताने मानस, वहाँ पे जो प्रमाण है वो प्रमाण क्या करता है, उसको प्रकाश नहीं कर पाता, जो हमने आरोप कर रखा था उसको नाश कर देते हैं। मानस
आरोपित धर्म निवर्तकत्वम अंतर है ना, आरोपित धर्म को निवर्तन के बिना संबित जनकत्व व्यापार उस विषय में ज्ञान उत्पन्न करेगा न संभव होती, वो होना संभव नहीं है। ठीक है, इस टीका करके इतना स्पष्ट लिख दिया। देखिए मतलब एक चीज अनुभव मैंने पर कैसे आपको स्पष्ट समझाने के लिए, जड़ अन्य किसी भी भौतिक वस्तु को प्रकाश करने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। आलोच चैतन्य व्याप्त होकर उसको प्रकाश करता है, फिर हम बोलता हूँ मैं इसको जाना आत्मज्ञान के लिए, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के आपने तदाकर नृत्य उठाया उसी को देखने का कोशिश करते हैं, आप उसको नहीं बोल पाएंगे कि मैं इसको जान, क्योंकि वो स्वयं चेतन स्वरूप है, स्वयं चेतन स्वरूप है, इसलिए बताना संभव है। पांच नंबर टिप्पणी तो कर दिया था हमने कि संविद एक तान इति जड़ अजड़ रूपात्म बात निराशा है इदम विशेषणम। कोई बात इस आत्मा को है ना कि मतलब ऐसे जड़ मानते हैं और आत्मा मन के संयोग से आत्मा में चेतन उत्पन्न होते हैं, वो ऐसा नहीं, आत्मा सर्वदा स्वरूप चेतन है, उसको निराश करने के लिए ऐसा बोला संविद एक तान है। छोटा सा भी कहीं जगह मिलेगा कि जिसके दर्शन में आत्म संबंध जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अच्छा न च तद्वत् अपि आत्मनि अध्यारोपितो अंत भाष्य में प्रतीक न च तद्वत् न च अलग तद्वत् आत्मनि अध्यारोपितो अंत प्रज्ञत्वादि विवेक करणे तो वृत्त सहन प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस अनुपादित अंत अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेक न तुरीय व्यापार उपपत्ति तुरीय व्यापार न उपपत्ति युक्त संगत नहीं होता। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार छेदन क्रिया में व्याप्त हुआ आदि केवल मात्र उच्च पकड़ के रखने के लिए जो धर्म था उसको अलग करने में उसको अलग करके उसको काट करके फिर उसका व्यापार पूरा हो जाता है। कुछ अलग हो गया दो वस्तु में, अलग हुआ दो वस्तु में कोई विशेषता आरोप करने की सामर्थ्य आदि में नहीं है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम आत्मा शुद्ध चेतन उसके ऊपर आरोपित वस्तु है शरीर इंद्र मन बुद्धि उसको पकड़ के रखा जो अज्ञान, वो ज्ञान क्या करेगा आरी, वो केवल मात्र अज्ञान को नाश करके ना आत्मा में कुछ अधन करेगा ना सत्य ना शरीर में सत्य आरोप करे ना आत्मा में मिथ्यात्व ना आत्मा में सत्य तो शरीर कुछ नहीं करेगा बोध हो जाएगा। यही यहाँ पे बोलते हैं तद्वत अपि आत्मनि आरोपित अंत प्रज्ञत्वादि विवेक आत्मा में आरोपित अंत प्रज्ञत्वादि को विचार पूर्वक अलग करने में प्रवृत्त हुआ क्या क्या अलग करने के कौन प्रवृत्त हुआ प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य प्रवृत्तस्य प्रतिषेध निषेधात्मक जो बोध होता है उसके लिए प्रवृत्त शास्त्र प्रमाण शब्द प्रमाण उसका अनुपादित सिद्ध मतलब अनिष्ट अज्ञान जो अंत प्रज्ञत्वादि जो हमारे लिए अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ जो हमारे इष्ट नहीं है जो हमारी धर्म नहीं है उसका अनुपादित जो अंत प्रज्ञ निवृत्ति व्यतिरेक है उसको मिटाने के बिना उसका कोई काम नहीं करता ना आत्मा में ना शरीर में कुछ नहीं करता। आ शरीर तो पारमार्थिक दृष्टि सामर्थ्य मिथ्या है उसमें करेगा क्या, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प जब आपका रज्जु ज्ञान हो गया उस सर्प को कर रहा है क्या है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा था सब कहीं आरोपित कहीं एक्स्ट्रा कुछ आरोप कर सकते तो रज्जु में कर सकते हैं परंतु आत्मा सर्वदा निष्कर्षण है वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते जैसा था प्रकाश हो वैसे ही रहता। ठीक है, अब फिर टीका में आ जाइए नीचे तुरीय आत्मने संवेदन जनन व्यापार न प्रमाणस्य प्रकल्पते तुरीय आत्मा संबंधित संभव ज्ञान ये काम प्रमाण नहीं करता ये काम प्रमाण नहीं करता। प्रमाण क्या करता है केवल अज्ञान को मिटाते हैं कोई नया ज्ञान ज्ञान तो अपना स्वरूप है इसलिए बताया तुरीय आत्मनी जो मतलब जो शुद्ध चेतन तत्व है संवेदन जनन व्यापार उसका विशेष रूप में ज्ञान उत्पन्न नहीं जो व्यापार है न प्रमाण उसमें प्रमाण उसमें प्रमाण में उस धर्म का नहीं है वो धर्म ने प्रकल्पते यहाँ पे जो पैसिव में प्रयोग किया ना तो टिप्पणी कार बोलते हैं प्रकल्प आपके पुस्तक में क्या लिखा वहाँ पे प्रकल्पते इति युक्त पाठ तो जो यहाँ पे प्रकल्पित पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो प्रकल्पते ही लिखा हुआ है। आपने छह नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है शुरू में प्रकल्पित ठीक है ना परंतु ऊपर टीका में क्या लिखा है प्रकल्पते टिप्पणी क्या लिखा है प्रकल्पते इति अत्र प्रकल्पते युक्त पाठ हमारे पुस्तक तो वही पाठ है। अच्छा समझ में आया आपको टिप्पणी का जिस समय टिप्पणी लिखे थे हो सकता है ऐसा कुछ छपने में तो कुछ गलती हुई थी तो उसको ऐसा होना चाहिए कह रहे हैं मतलब छप के आ गए इसलिए टिप्पणी में सुपर प्लस हो गया भवते और भवेत ना आप देखिए रमते और रमेत क्या बोला मैं रमते और रमेत इन दोनों में क्या भिन्नता है रमते तो क्रिया है दोनों ही क्रिया है
एक विधि लिंग है और एक लट लिंग है। इतने मध्य होना चाहिए और है तो टिप्पणी का बोले है ये होना चाहिए नहीं है क्या था अभी तो पता नहीं लग रहा। अभी तो जो लिखा हुआ यहाँ पे टिप्पणी का जो संशोधन का वो लिखा हुआ छपा हुआ यहाँ पे इसी नाम को कुछ करना नहीं है वहाँ पे टिप्पणी जो है आवश्यकता नहीं है। तस् संबित आत्मकत्व आरोपित निवृत्ति व्यतिरेक मान जन्म फल संबित अनपेक्षित उक्तम। जिस प्रकार सामान्य वस्तु के ज्ञान के लिए घट पट मट आदि के ज्ञान के लिए एक चेतन की आवश्यकता होती है तब हम बोलते हैं ये घड़ा है, परंतु आत्मज्ञान के लिए कोई दूसरा चेतन की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा आत्मा स्वयं प्रकाश है और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ सभी का अनुभव में। इसलिए बोलते हैं तस् मतलब प्रमाणस संबित आत्मकत्व सॉरी आत्मना संबित आत्मकत्व तो प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप होने के कारण आरोपित निवृत्ति व्यतिरेक ना उसके ऊपर जो हमने आरोप किया था उस आरोपित निवृत्ति को छोड़ करके मानव जन्म फल उस प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो फल संबित अनपेक्षित जो ज्ञान मतलब घट को मैं जानता हूँ मानव जन्म फल क्या मैं घट को जानता हूँ मैं पट को जानता हूँ मैं मठ को जानता हूँ ये यहाँ पे नहीं होगा। मैं आत्मा को जानता हूँ ये नहीं हो सकता। अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिज्ञातम शास्त्र क्या जो कहते हैं मैं जानता हूँ दशमतम दशमतम मतम दशमे दश। इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तस् संबित आत्मकत्वात् आरोपित निवृत्ति व्यतिरेक न मानव जन्म फल संबित अनपेक्षितत्वात् इति उक्तम अपेक्षा नहीं रहता ये कहा गया। तत्व हेत्वांतरवाह इस विषय में दूसरे हेतु को कहते हैं इंपॉर्टेंट थिंग। ये अंतप्रज्ञत्वादि ये कौन बना रहा था मैं अंतप्रज्ञ हूँ मैं बाहरी वस्तु को जानता हूँ वो कौन बना रहा था परिच्छिन्न चिदाभास अहंकार। अब आपका अब ब्रह्म विचार आत्म विचार करते करते अहंकार जल गया नाश हो गया। अब कौन बनाएगा अंतप्रज्ञ कौन बनाएगा कि मैं ये हूँ कौन कहेगा अभी ये सूक्ष्म अंदर की वस्तु क्या है अभी तक मैं ये हूँ ये बहलने वाला कौन था ये बोलने वाला तो अहंकार था परिच्छिन्न अहंकार। अब ज्ञान अब ज्ञान होती क्या परिच्छिन्न अहंकार मिट गया तो मैं ये जानता ही बोलेगा कौन वही नहीं है। इसलिए यहाँ पे इस संबित का फल आपको नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए संबित का फल मतलब आत्मज्ञान का फल 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 व्यक्ति होकर के नहीं दिखाई पड़ता तो बोलेगा कौन वहाँ पे क्योंकि तो जल गया तो नाश हो गया। समझ में आ रहा है ये वस्तु ये चीज जो है मुख्य चीज है यहाँ पे हुआ क्या इसे बोल रहे यहाँ पे देखिए कि अंतप्रज्ञतादि निवृत्ति समकाल में जैसे ही आपका अंतप्रज्ञ तो नहीं होगा नहीं इस समय क्या होता है प्रमात्यत्वादि भेद निवृत्ति मैं जानने वाला हूँ प्रमाता ये बुद्धि निवृत्ति हो जाती है ठीक है। अंतप्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकाल में जिस समय में आपने मैं मतलब व्यष्टि अभिमानी चेतन अथवा सूक्ष्म अभिमानी चेतन अथवा इस भाव आपके अंदर मैं नहीं हूँ मैं शुद्ध चेतन हूँ जैसे ही ये भाव आपके अंदर स्थिर होगा तब क्या हो जाएगा पहले सबसे पहले नाश होगा प्रमातृत्व मैं जानने वाला मैं ज्ञान स्वरूप हूँ मैं जानने वाला नहीं हूँ। जब जानने वाला मर गया तो आत्मा को कैसे जानेगा मैं तो ज्ञान स्वरूप हो गया। इसलिए तब उस समय नहीं बोल सकते कि मैं अपने को जानता हूँ जिसको शुद्ध ज्ञान होगा नहीं बोल सकता जानने वाला जल गया। क्या अद्भुत कितना शब्दों को आप ठीक से समझेंगे देखिए हमारे आचार्य लोग समझाने के कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया हमने टीकाकार देखिए उसको समझाते हैं। टीकाकार बोलते हैं आश्रय अभावेन आश्रित प्रमाण अभावात आश्रय हो गया घड़ा उसमें रखा था पानी अथवा दही घड़ा गया टूट पानी क्या होगा उसका बंद आश्रित था वो रह नहीं सकता वहां पे आश्रय था प्रमाता मैं जानता हूँ इसको जानता हूँ प्रमाता गया जल तो जानना क्रिया हो गया बंद ठीक है। अब शब्दों को समझिए आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि क्या वस्तु मैं नहीं कह तो नहीं हो नहीं आएगा हो नहीं सकता इनका इतना सुंदर करके यहाँ तो समझाया आश्रय अभावेन आश्रित प्रमाण अभावात ठीक है ना। आश्रय जब नहीं रह गया प्रमाता नहीं रह गया अभी परिच्छिन्न चेतन तो चल जल गया फलत उसके आश्रय में रहने वाला मैं इसको जानता अपने से भिन्न करके देख करके मैं इसको जानता हूँ कहाँ जाएगा हमारा
बिल्कुल सही, मरा हुआ इतना भी नहीं बोल सकता कि मैं मर गया, अभी तक तो खूब बोल रहा था कहीं जानते उतना भी नहीं जान पाता। असल अभाव है ना, अस्तित्व प्रमाण अभाव, अनंतर क्षण तस्य व्यापार अनुपत्ति, उसके बाद वाला क्षण में फिर उसका व्यापार होना युक्ति संगति नहीं होता, नहीं हो सकता। यदि अत्र वाक्य शेषम, इस विषय में जो भगवान, इस विषय में भगवान वाचकार हमारा बोध पता चल के वाक्य को आगे ला करके बोल रहे, तथा च वक्ष्यति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। देखो कल कितना कठिन लग रहा था, आज कितना सरल लग रहा है, क्योंकि टीका के साथ आ रहा है ना, टीका के साथ आ रहा है। अभी टीकाकार तो खोल के बोल देते हैं, और पहले कंसेप्ट को मन में बैठा लेना चाहिए वो क्या रहा। इसको यदि आप समझते हैं ना कि हमारा वृत्ति ज्ञान, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान, ब्रह्म और आकार, वृत्ति और आकार दोनों को चला करके ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाता है। जैसे ईंधनारूढ़ बंदी ईंधन को जला करके समष्टि बंध में एक हो जाते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर रखना, तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे काम करते हैं आपको समझ में आएगा। बिजली चलिए, अच्छा तो आगे बोलते हैं, तथा च वक्ष्यति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जान लेने पर फिर अपने को जब हम जान लेते हैं, एकत्व को जान लेते हैं, तो भेद कहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि जानने वाला ही चला गया, अब ज्ञान स्वरूप हो गया। इसलिए आप बोलेंगे महाराज तो क्या जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार नहीं करते, करते हैं, अस्वीकार नहीं करते हैं, वो उतना मात्र प्रारब्ध भाग को निभाने के लिए जितना चाहिए वो ईश्वर बना के रखते हैं उसके अंदर। ज्ञान से प्रारब्ध नाश नहीं होता ना, ये जो नहीं नाश होते बहुत कल्याणकारी है। ज्ञान से प्रारब्ध नाश नहीं होता, यदि भगवान इसको नहीं रखते तो ये मतलब हमको संकट मन समझाता। श्रद्धावान ये बोलते हैं, श्रद्धावान रमते कारण भगवद गीता बोलते हैं ना, ज्ञानी पुरुष उसको उपदेश करते हैं। देखो ये तत्व व्यक्तिवेत्ता पुरुष भी नहीं आएगा, तो भगवद गीता भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो है तत्ववेत्ता पुरुष ही उसको उपदेश करते हैं, यदि वही नहीं रहेगा मर जाएगा, मतलब प्रारब्ध ही नाश हो जाएगा तो उपदेश कौन करेगा, तो उपदेश परंपरा नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि तथा च वक्षति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते किंच, आगे टीका भाव देखिए, टीका को देखिए अभी, किंच ज्ञान अधीन द्वैत निवृत्ति अवच्छिन्न क्षण अतिरेकेन न क्षणांतरे ज्ञानम स्थापुं पारयति। ठीक है ना, ये ज्ञान मतलब स्वरूप ज्ञान नहीं है, वृत्ति ज्ञान को लेकर के बोल रहे हैं। किंच और देखो, हम जानते हैं कि एक वृत्ति ज्ञान अधिक देर तक स्थिर नहीं होता, एक वृत्ति ज्ञान वहाँ पे क्या है भाव उठा करके, जैसे हमको ज्ञान हो गया तो वहाँ पे कुर्सी है तुरंत उसके भागता है, ये व्यवहारिक अनुभव है हमारे, इसलिए बोलता है किंच ज्ञान अधीन, उस ज्ञान वृत्ति ज्ञान के है ना, ज्ञान होने के साथ साथ ही ज्ञाता समाप्त हो जाता है, आत्मज्ञान से ज्ञाता समाप्त हो जाता है ज्ञानी के बदले। ज्ञान अधीन द्वैत निवृत्ति अवच्छिन्न क्षण अतिरेक है ना, ज्ञान अधीन होकर के जब द्वैत प्रपंच का निवृत्त हो गया उस क्षण से अधिक क्षण में न क्षणांतर ज्ञान स्थापित मन होती, वो जो वृत्ति ज्ञान तो अपना विनाश हो गया, वो क्षणांतर में नहीं रहते, वो लकड़ी लकड़ी के ऊपर बंधी था लकड़ी में, लकड़ी जल जाने के साथ साथ फिर आपको बर्नी नहीं दिखाई देगा, ईंधन आरूर बर्नी, ईंधन जल गया अब बर्नी कहाँ दिखाई देगा। इसी प्रकार कि वृत्ति आरूढ़ चेतन, ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चेतन, वो वृत्ति को ब्रह्मा क्या करता है, वो जो द्वैत को भेद बुद्धि को मिटा करके वो जो अपने वृत्ति को भी अपने आकाश उसका आरोप करने जगह नहीं है अभी, तो केवल शुद्ध चेतन नहीं जाता। ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चेतन वो क्या होता है, आकार और वृत्ति दोनों को चला करके ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाता है। ईंधन आरूढ़ बंधी ईंधन को जला करके व्यापक बंधी में स्थिर हो जाता है, ठीक ऐसे समझ में। और ये विज्ञान सिद्धांत है, विज्ञान सिद्धांत है, ये मिल जाना है एनर्जी को जाना, जैसे इन्होंने मस ऑफ एनर्जी अपना कम इसलिए मानते हैं, न च अस्थिरम ज्ञानम व्यापाराय पर्यंतम, जो ज्ञान अपने आप स्थिर नहीं है वो दोबारा फिर व्यापार करने में सामर्थ्य नहीं होता, न च अस्थिरम ज्ञानम व्यापाराय, कोई व्यापार करने में सामर्थ्य होता है पर्याप्त, कौन ज्ञान वृत्ति ज्ञान दर्ज करना, तथा च ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति व्यतिरेकेन न आत्मनि व्यापार अस्थि। ठीक है ना, इसलिए वो जो ज्ञान मतलब वृत्ति अनुचेतन
वो केवल मात्र भेद बुद्धि को द्वैत बुद्धि को मिटा करके और कोई व्यापार करने में उसका कोई योग नहीं है, स्थान ही नहीं है। इसके बदले तथा ज्ञान द्वैत निवृत्ति व्यतिरिक के ना भेद बुद्धि को मिटाने को छोड़ करके न आत्मनि व्यापार, आत्मनि कुछ भी व्यापार नहीं कर सकते, कोई अतिशय का आदान नहीं करता। मैं दृष्टि तो कई बार बोला कि घर आप कमरे में रखा हुआ है, अंधेरा है, परंतु जो है आप तब तक व्यापार नहीं कर सकते जब तक वो प्रकाश का तरह प्रकाश होता है, जब तक वो प्रकाश का तरह प्रकाश होता है। इसलिए आप बोलते हैं कि ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक है ना क्षणांतर अनवस्थाना भाष्य में ना, वो ज्ञान, ज्ञान से जो लिखा है ना, ज्ञान कौन सा है, वृत्ति ज्ञान, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। आप लिख के रखें ना तो आपको अपना पंक्ति लगाने में माथा खराब होता है कभी कभी, फिर जब पूरा टीका टिप्पणी पढ़ लेता तब जाके जाए वहाँ पे, वो वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक है ना, द्वैत निवृत्ति कर दिया, किंतु वृत्ति ज्ञान क्या है, वृत्ति अनुचे उसको चेतन बैठा हुआ है ना, वृत्ति अनुचेतन, वृत्ति अनुचेतन क्या करता है, वो वृत्ति सहित जो द्वैतात्मक वृत्ति था, वृत्ति अनुचेतन द्वैतात्मक वृत्ति को नाश करके अपने आप स्थित हो जाता, और कोई क्या नहीं, वृत्ति नाश हो जाता, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक क्षणांतर अनवस्थाना यदि होते ननु, आप देखिए एक अवस्वन का उठा है, ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपि न स्वात्मानम निवर्तयति, ठीक है। अब क्या बोलना है, ज्ञान भेद बुद्धि को तो मिटा देते हैं परंतु आपने को नहीं मिटा सकता, कौन वृत्ति ज्ञान, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया, निकालने वाला कोई विश्व कोई दूसरा होता है और निकाल देने वाला वस्तु अलग होता है, एक निवर्त्य और एक निवर्तक, निकाल देने वाला एक भिन्न व्यक्ति और निकाल आ रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, ए आश्रम से निकाल जाओ, आपने आपको थोड़ी निकालेगा, यहाँ पे जो वृत्ति ज्ञान है वो द्वैत ज्ञान को तो नाश करेगा, आपने आपको कैसे निकालेगा, किंतु आपको वृत्ति ज्ञान भी तो अज्ञान अवस्था में आता, वृत्ति ज्ञान भी तो आपने अज्ञान में बनाया, तो भी तो अज्ञान के, वो भी अज्ञान के कोटि में आता है, उसको कौन निकालेगा, उसको कौन निकालेगा। इसलिए बोलते हैं ननु ज्ञानम द्वैत निवर्तकम, ज्ञान द्वैत भेद बुद्धि को मिटाने वाला होते हुए भी न स्वात्मनम निवर्त्यत, जो वृत्ति ज्ञान अपने आप को निवारण नहीं कर सकता, क्यों, निवर्त्य निवर्तक भावस्य एकत्र विरोधा, जैसे कर्ता और कर्म एक नहीं हो सकता, कर्म करते दोष होता है, निकालने वाला निकालने जो को वस्तु ये कर्म है ये कर्ता है, एक ही व्यक्ति कर्म भी है कर्ता भी बन जा नहीं हो सकता है, ये कर्म कर्ता नहीं, निवर्त्य हो गया कर्म और निवर्तक हो गया कर्ता, ये एक ही जगह दोनों व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए निवर्त्य निवर्तक भावस्य एकत्र विरोधा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। अत जावन निवर्तक स्थास्य से तत्र आह, इसलिए जब तक उसको निकालने वाला कोई दूसरा नहीं होता तब तक वो रहेगा वहां पे, ऐसा रहेगा, ऐसा कोई कहता है तब बोलता है नहीं जी अवस्था ने चो, यदि आपको ऐसा ही मानना होगा ना तब आप कभी भी ज्ञान होगा ही नहीं। आप देखिए क्योंकि ये बोलते हैं ना अनावस्था दोष क्या होता है, मूल उच्छेद करी होती है अनावस्था दोष, मतलब ए नामो ज्ञान आपका द्वैत भेद बुद्धि को मिटा दिया, अब ए नाम ए ज्ञान को मिटाने के लिए आप आपको बी नामो ला रहे हैं, वो बी नामो ज्ञान, वो ज्ञान होगा तब, यदि बी नामो के ज्ञान चाहिए तो ए ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा, अज्ञान मतलब भेद, भेद को मिटाने के लिए आपने ए नामो ज्ञान को लाया, तो ए नामो ज्ञान भेद बुद्धि को मिटाया, अब ए नामो ज्ञान को बी नामो ज्ञान के तरह मिटाना चाहेंगे, तो यदि बी ज्ञान होगा तो ए अज्ञान होगा, तो ज्ञान ही अज्ञान को मिटाते हैं, यानी कि यहाँ यदि अज्ञान रह गया तो आपका द्वैत मिटा ही नहीं, मूल उच्छेद हो गया, अनावस्था दोष ये बड़ी सटल थिंग है, इसको समझना है, इस चीज को इतना बोल देंगे अनावस्था मूल उच्छेद करी, कैसे मूल उच्छेद करी, यदि उस ज्ञान को मिटाने के लिए दूसरा ज्ञान आप लाएंगे तो ज्ञान तो अज्ञान को ही मिटाते, तो पहला ज्ञान अज्ञान था, यानी कि आपका पहले द्वैत निवृत्ति हुआ ही, ये मूल उच्छेद हो गया, इसीलिए अनावस्था दोष चक्र दोष ये सब वेदांत में दिखाया जाता है, ये एक दूसरे में रिलेटेड होकर के घूम रहा है, इसे स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है उसका। अनवस्थाने च अनवस्था अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगा क्या हो जाएगा, यदि वो एक वो मतलब उस ज्ञान को नाश करने के लिए दूसरा ज्ञान की आवश्यकता होता है तो अनवस्था दोष आएगा, परंतु क्या हो जाएगा, द्वैत अनिवृत्ति द्वैत प्रपंचता कभी नाश ही नहीं होगा, मतलब मूल उच्छेद हो गया। यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ना, क्या बोलते हैं, द्वैत अनिवृत्ति मतलब निवर्तक ज्ञान परंपरा विगमान, मतलब आपने क्या क्या निवर्तक ज्ञान अलग है, निवर्तक द्वैत हमेशा बना ही रहेगा,
ये परंपरा चलते रहेगा। तो अब टीका में आ जाइए, निवर्तकस्य ज्ञानस्य यत् पढ़ेंगे ना, अतः जावत निवर्तकस्थास्य, जब तक निवर्तक है तब तक वो रहता है, तब उसको अवस्था है। अब यहाँ पे टीका में निवर्तकस्य ज्ञानस्य मतलब भगाने वाला जो ज्ञान है, निवर्तकस्य ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति अनंतरमपि निवर्तक अंतरम अपेक्षा अवस्थाने न तस्य तस्य अवस्थाने जो तस्य तस्य निवर्तक अंतर व्यापकत्वा यस्यापि विज्ञानस्य निवर्तकत्वस्य व्यवर्तकत्वात् यस्य विज्ञानस्य निवर्तकत्व, किसी भी विज्ञान का निवर्तकत्वस्य सिद्ध ही नहीं कर पाएगा। टिप्पणी कुछ को समझा रहे जब ऊपर समझा तो देखिए क्या बोलते हैं, निवर्तकस्य ज्ञानस्य मतलब जो भगाने वाला जो ज्ञान है, द्वैत बोध को जिसने मिटा दिया था, द्वैत निवृत्ति अनंतर, द्वैत बोध को मिटाने के बाद में भी अनंतर अभी निवर्तक अंतरम अपेक्षा अवस्थाने, यदि मेरे को निकालने वाला दूसरा कोई आएगा ऐसा बल कहकर बैठा रहता है, यदि ऐसा रहता होता ठीक है ना, आप द्वैत बुद्धि को मिटाने वाला एकत्व बुद्धि, वो द्वैत बुद्धि को मिटाए, अब मेरे को भी कोई भागा ऐसा समझ कर वो वहां बैठा है तो दूसरा कोई आना पड़ेगा उसको भगाने के लिए। इसलिए बोलते हैं निवर्तक ज्ञान से द्वैत द्वैत निवृत्ति अनंतरम, अभी द्वैत को मिटाने के बाद भी निवर्तक अंतरम अपेक्षा अवस्था है, मेरे को निकालने वाला कोई दूसरा आ जाएगा इसको सोच कर वहां पे बैठा रहे तब क्या हो जाएगा अवस्था ने, तस्य तस्य निवर्तक अंतर व्यापकता, तब जो ए नामो ज्ञान को भगाएगा बी, उसको भगाने के लिए एक सी चाहिए, फिर सी को भगाने के लिए डी चाहिए, इसलिए तस्य तस्य निवर्तक अंतर व्यापकत्व एक दूसरा ज्ञान की अपेक्षा होने के कारण जस्यापि विज्ञानस्य निवर्तकत्व सिद्धि, जिस किसी भी विज्ञान होगा उसमें निवर्तकत्व धर्म का भी नहीं आएगा, अद्वैत बना ही रहेगा। तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी देख रहे हैं, ठीक है, दो नंबर टिप्पणी, इतना छोटा छोटा टिप्पणी की शंका है, ठीक है, दो नंबर टिप्पणी जो का तो आगे आगे भाषण, ठीक है, रहने दीजिए उसको, तीन नंबर टिप्पणी में देखिए, तीन नंबर टिप्पणी में अनवस्थ स्फुट यदि, अनवस्थ दोष को स्पष्ट करके दिखा रहे हैं, निवर्तक ज्ञान से कैसे अनवस्थ दोष होता है उसको दिखा रहे हैं, आनंदगिरी जी ने अनवस्थ दोष का स्पष्ट, निवर्तक ज्ञान से दैत निवृत्त अनंतर अभी जो भेद बुद्धि को मिटाया वो भेद बुद्धि के मिटाने के बाद भी यदि वहाँ पे इस प्रकार बैठा रहता है तो उसको मिटाने के लिए फिर दूसरे को चाहिए, क्योंकि वो जो वृत्ति होता है ना वो तो अज्ञान दशा में बनती है, वृत्ति अज्ञान दशा में, ज्ञान होने के बाद कोई वृत्ति नहीं हो सकता, तो कोई विशेष संबंध आत्म संबंधित ज्ञान नहीं, क्योंकि वृत्ति बनाने का काम प्रमाता का है, प्रमाता जल गया नाश हो गया किसी को, हम अभी वो नहीं हो सकता। चार नंबर टिप्पणी है निवर्तक अंत निवर्तक अंतर व्यापकत्व, चार नंबर टिप्पणी, ओहो यहाँ पे व्यापकत्व आद्यस्य, ठीक है, व्यापक व्यवर्तक आद्यस्य विज्ञान है ये जब ठीक है, मतलब जो पहला विज्ञान था आपका आद्यस्य विज्ञान है, हमारे यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी को संशोधन करने में एक लाइन लगा हुआ था, तो जो निवर्तक अंतर व्यापक वहाँ पे पंचमी हो गया, उसका अपेक्षण क्या है आद्यस्य विज्ञान, सबसे पहला जो ज्ञान था जो आपको भेद बुद्धि को मिटा दिया था वो क्या हो जाएगा, वो भेद बुद्धि को मिटाने में सिद्ध ही नहीं होगा, निवर्तकत्व असिद्धि, आद्यस्य विज्ञान से निवर्तकत्व असिद्धि, मतलब ये मूल उच्छेद कारी बोलते हैं ना अनावस्था दोष, क्या करते हैं मूल को उखाड़ देते हैं, मूल उखाड़ क्यों देते हैं, क्योंकि यदि उस ज्ञान को मिटाने के लिए एक और ज्ञान चाहिए तो अब क्या हो जाएगा, ज्ञान तो अज्ञान को ही मिटाएगा, यानी कि एक दूसरा ज्ञान जब बाहर हो तो कोई एक अज्ञान को ही मिटाएगा, यानी कि वो आप पहला ज्ञान जो है वो आपका अज्ञान को नहीं मिटा पाएगा, इसलिए मूल उच्छेद हो गया आपका, इसलिए बोलते चार नंबर टिप लगे आद्यस्य नहीं अंतरेण अंतकरणादि उत्तर विज्ञान उत्पाद संभवति, ये देखिए एक दूसरा विज्ञान उत्पन्न होना अंतकरण के बिना, अंतकरण के बिना दूसरा विज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं है, अब अंतकरण में मिथ्यात्व तो निश्चय हो गया और वृत्ति भी पारमार्थिक नहीं है, वो मतलब झूठा वस्तु संबंधित वृत्ति बनाते ही निश्चय हो गया, इसलिए हमें बोलते हैं नहीं अंतरेण अंतकरणादि उत्तर विज्ञान, अंतकरण हुआ बुद्ध, अंतकरण बुद्धि और मन, इसके बिना जो है आपका उत्तर विज्ञान उत्पन्न संभव नहीं है, किंच उत्तरस्य निवर्तक ज्ञान मात्र निवर्तकत्वे विज्ञानत्व अविशेषा अविशेषेण आद्यस्य अपि तथात्व आवश्यकत्वात् अनिवर्तकत्वम् इति दिक्, इसका अंदर क्या शुद्ध वस्तु छुपा बोलते हैं, किंच और देखो उत्तरस्य निवर्तक ज्ञान मात्र निवर्तकत्वे, वो जो जो भेद बुद्धि को मिटाया था
जो भेद बुद्धियों को मिटा था ये जो ज्ञान, वो ज्ञान को मिटाने के लिए एक निवर्तक ज्ञान और भी अगर हमको लाना पड़े तो किंच उत्तरस्य निवर्तक ज्ञान मात्र निवर्तक मतलब भेद बुद्धि को मिटाने वाले जो ज्ञान, वो ज्ञान को मिटा निकालने के लिए दूसरा ज्ञान की भी आवश्यकता होता है। विज्ञानत्व अविशेषा अविशेषण मतलब वहां पे क्या है, तब एक ज्ञान होगा और एक अज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान यदि किसी को मिटाएगा तो अज्ञान को ही मिटाएगा, तो विज्ञान अपने यहाँ रहेगा, यानी कि पहले आपको अज्ञान रहेगा। इसलिए होता है कि विज्ञानत्व अविशेषेण आद्यस्यपि तथा तो अब आवश्यकता, तो आद्य ज्ञान भी क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, फल क्या हो जाएगा, अनिवर्तकत्व मतलब वो अज्ञान को मिटा नहीं पाया, ये सिद्ध हो जाएगा, यानी कि अनावस्था दोष क्या होता है, मूल को उच्छेद कर देता है, मूल सिद्धांत तो मूल अज्ञान जो था नाश हो गया आपने बोला, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टिप्पणी को देखिए, टिप्पणी का बहुत सुंदर लिखा है इस टिप्पणी को, किंच उत्तरस्य निवर्तक ज्ञान मात्र निवर्तक, जो ज्ञान आपने बोला जो वृत्ति आरूढ़ चेतन आपको क्या किया था कि सारा द्वैत बुद्धि को मिटा करके विद्यमान है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दुष्ट ज्ञान चाहिए। यदि ऐसा होगा तो क्योंकि वृत्ति का पद अज्ञान अवस्था में बना था, परंतु हमारे यहाँ पे क्या है, आत्मा स्वयं चेतन होने के कारण वो क्या करते हैं कि उस वृत्ति को जला करके, वृत्ति और वृत्ति में जो आकार था ब्रह्माकार, उसको जला करके ही मूल व्यापक करना भी स्थिर होता है, ये हमारे सिद्धांत है। यदि इसको मिटाने के लिए दुष्ट ज्ञान चाहिए, इसका मतलब आपको आकार मिटाने फल पे क्या हो जाएगा, आपका द्वैत ज्ञान नाश नहीं होगा, या अनावस्था दुष्ट आ जाएगा, मूल उच्छेद करें मतलब अज्ञान का भी नाश नहीं होगा, अज्ञान का भी नाश ही नहीं होगा। न च ज्ञानस्य स्वनिवर्तकत्व अनुपपत्ति है ना, ये कोई कोई होता है स्वपर प्रकाशक दिया, दिया क्या होता है, वो दूसरे का प्रकाश करते हुए अपने को भी प्रकाश करता है, इसी प्रकार ज्ञान जो है दूसरे को प्रकाश करते हुए अपने को भी प्रकाश करते हैं। अब आपके पास दूसरा कुछ है नहीं, द्वैत रह ही नहीं गया, केवल अपने ही आप है, तो दूसरे को प्रकाश नहीं करता, अपने को प्रकाश प्रकाशित रह जाए, इसीलिए न च ज्ञानस्य स्वनिवर्तक, तो ज्ञान अपने आप को निर्वाह कर देगा, अपने मतलब अज्ञान को मिटाएगा, इस विषय में कोई युक्तिहीनता नहीं है। स्वपर विरोधी नाम भावानाम बहुलम उपलम्भात, मतलब स्वपर का प्रकाशक होने के कारण स्वपर विरोधी भाव बहुत प्रकार से ज्ञान में मिट जाता है, मिल जाता है, इसीलिए ये कोई असुविधा नहीं है। ज्ञान अपने आप को मतलब स्वपर प्रकाशक कौन है, ज्ञान, ज्ञान अपने का दूसरे को प्रकाशित करते हुए अपने को भी प्रकाशित करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने घड़ा को जाना, तो यानी कि घड़ा की ज्ञान के साथ आपका ज्ञान हुआ, ये भी तो ज्ञान है आपके पास, ये आप ये भी तो आपने प्रकाश किया, जैसे घड़ा की ज्ञान आपका मतलब आपका ज्ञान है, इसी प्रकार पट ज्ञान है, इसी प्रकार से ज्ञान क्या होता है, दूसरे को प्रकाश करते अपने भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए बोलते हैं स्वपर विरोधी नाम भावना बोलो उपलब्धता, इस प्रकार जो है स्वपर सामान्य बहुत ये अनेक प्रकार से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ये आप आराम से समझ सकते हैं कि ज्ञान कैसे स्वयं प्रकाश होते हैं, वो दूर प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। फिर आगे बोलते हैं, यहाँ तक ये पैराग्राफ हो गया, इसलिए अब क्या हो गया, ज्ञानस जन्म अतिरिक्त व्यापार अभाव, ठीक है, यानी कि ज्ञान क्या करता है, जिस प्रकार कोई बच्चा पैदा होकर के जन्मने के बाद फिर बढ़ता है, खेलता है, घर आनंद देता है, उसके उसका नाम है नंदन, नंदयति की नंदन सपना, इसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वो आपको आनंद तो देता है, वो आपने कोई आनंद देता है, कोई व्यापार किए बिना, कोई व्यापार किए बिना अपनी पूर्णता की आनंद है, शुद्धता की आनंद है। इसे बताया जन्म ज्ञानस ज्ञान का जन्म अतिरिक्त व्यापार अभाव, वास्तविक यहाँ पे एक तो जन्म केवल जन्म ही लेता है ज्ञान, इससे अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं करता, यद्यपि यहाँ पे ये भी बोलना मुश्किल है, वो जन्म लेता नहीं है, केवल मात्र अज्ञानी मिटती है वहाँ पे, केवल मात्र अज्ञानी मिटती है, इसीलिए यहाँ पे बोलते शब्द प्रयोग करने के लिए ज्ञानस्य जन्म अतिरिक्त व्यापार अभाव क्या जन्मनस्य द्वैत निषेधेन एक उपक्षा, तो जन्म का होता है द्वैत को निषेध करके ही अद्वैत का ज्ञान जन्म होता है, द्वैत को निषेध करके ही अद्वैत पैदा होता है, ठीक है ना, अद्वैत ज्ञान
द्वैत ज्ञान परिषद का इतना इतने उसका व्यापार है, उसका अधिकार कोई व्यापार नहीं है। ठीक है, ज्ञान से जन्म अतिरिक्त व्यापार अभाव फर्स्ट, इसलिए तत् जन्मनश्च द्वैत निषेध ही उपक्ष, उसका जन्म क्या करता है कि द्वैत का निषेध करके उत्पन्न होता है। इसीलिए सनातरे विषय स्फुरन जननाय अनवस्थान, इसीलिए दुष्ट क्षण में दुष्ट विषय को प्रकाश करने के लिए वो ज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए आपने बोल क्यों, अब मैं यहाँ ध्यान देना, प्रमाता ही जल गया, जिसको मन अंतकरण उपहित चेतन प्रमाता है, जो मैं इसके द्वारा इसको जानता हूँ, अब अंतकरण मिथ्या तो निश्चय हो गया, तो प्रमाता गया जल, तो कहाँ का मृत्यु उत्पन्न हो गया, कहाँ से उत्पन्न होगा। इसीलिए बोलते हैं आपे कि तत् जन्मनश्च द्वैत निषेधेन एव उपक्षयात् क्षणांतरे विषय स्फुरण जननाय, दूसरे क्षण में कोई विषय को प्रकाशित करने के लिए जननाय अनवस्थान को वृत्ति नहीं रहता है। आरोपित अतत् धर्म निवृत्त एव, जो आरोपित अतत् धर्म था मतलब जो आत्मा का धर्म नहीं था, आरोपित जो आत्मा का धर्म नहीं था उसको निवृत्ति द्वारा ही एव ज्ञानम पर्यवसितम, ज्ञान संपूर्ण हो जाता है। इति उपसंहृति, इसको मन में रखते हुए अब भगवान भास्कर उपसंहार करते हैं, है ना। अभी तक अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ इसका अर्थ नहीं बोला, परंतु इसका अर्थ इस मतलब श्रुति मंत्र में क्या भाव छुपा हुआ उसको अभी व्यक्त किया गया। जगत मिथ्या तो अपने शरीर तक मन बुद्धि तक की मिथ्या तो निश्चय करके ज्ञान उत्पन्न होता है, इसको दिखाने के लिए ही मानता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि तस्मात अब बना जाए, तस्मात प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालेव, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार, प्रतिषेध निषेध करने वाले जो विशेष क्या है उस प्रमाण का व्यापार जब भी हुआ, मतलब निषेध जब हो गया उस काल में ही निषेध होने का साथ है। ये जो हमारा अनर्थ क्या है, अयमेव हि अस्माकम् अनर्थ तत् संसारी आत्मदर्शन, अनर्थ क्या है ये हमारा क्या है कि जो हम अपने को संसारी मान लिया यही हमारे सबसे बड़ा अनर्थ है। ठीक है ना, अब अद्वैत ज्ञान क्या करता है, इस संसारी भाव को मिटाता है। इसलिए हमें बोलता है तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल एव, जिस समय ये निषेधात्मक जो विशेष ज्ञान शास्त्रों से जो प्राप्त हो रहा है प्रमाणात्मक ज्ञान, ये शास्त्रों से आ रहा है शब्द प्रमाण से, उसके व्यापार समकाल उसी काल में जिस समय व्यापार शुरू होता है उस काल में ये वो आत्मनि अध्यारोपित, तो आत्मा में हमने आरोप किया था क्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञत्वादि, इसलिए बोलते आत्मनि आरोपित अंतप्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति इति सिद्धम, है ना, अनर्थ की निवृत्ति हो जाता है ये सिद्ध होता है। अनर्थ क्या है, ये जो मैं संसारी हूँ यही सबसे बड़ा अनर्थ के हेतु है, मैं मनुष्य हूँ यही सबसे बड़ा अनर्थ के हेतु है, ये तो फाउंडेशन है, मैं मनुष्य हूँ बस, अब उसके ऊपर फिर पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ स्त्री हूँ बुद्धिमान हूँ डॉक्टर हूँ इंजीनियर हूँ संन्यासी हूँ गृही हूँ, ये कितना सारे मंजिल चढ़ा लेते हैं आपके ऊपर, ये सब अनर्थ का हेतु होते हैं, है ना। जिस समय आपका ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जल जाता है तब जाकर के अनर्थ का नाश होता है। ठीक है, तस्मात यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, तस्मात प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालीन, प्रतिषेध विज्ञान का मतलब शास्त्र वाक्य जो निषेधात्मक विज्ञान, हर जगह पर निषेध के द्वारा ही आत्मा को प्रतिपादन किया गया, ध्यान देना हर जगह पे। ऐतरीय उपनिषद तैतरीय उपनिषद जहाँ पे सृष्टि की प्रक्रिया आया सृष्टि को दिखा करके अपने आप श्रुति निषेध कर देती है। पंचकोश में क्या दिखाया था, तैतरीय उपनिषद में एतम अन्नमयम आत्मा उपसंक्रामति एतम प्राणमयम आत्मा, इस एक एक कोश को पार करते फिर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा स्थिर हो जाता है। ठीक है, अच्छा बृहदारण्यक उपनिषद में आपका अजातशत्रु ब्राह्मण, उसके बाद मूर्त मुक्त ब्राह्मण है, मूर्त मुक्त ब्राह्मण में मूर्त अमूर्त दोनों को निषेध कर दो, अर्थात आदर्श नीति नहीं। ठीक है, अच्छा फिर आपका जो है ये जो तैतेय छंद को परिषद में छंद को उन्होंने निषेध किया, अन्येन सम्म शृंगेन अपमूलमान्यच्च अद्विषम्म शृंगेन तेजमूलमान्यच्च तेजसम, निषेध करते जा रहे कार्य को निषेध करते कारण में ला करके पिछले सर तुम्हारे कहते तेजो 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 भी तुम्हारा सन्मूल प्रतिष्ठा सकार को समाप्त करते, सबके पीछे कुछ नहीं है। कठोर परिषद में देखो इंद्रिय भी परायण परम मन मनस्ती पर एक निषेध करते जाए महत्व परमात्म अव्यक्त पुरुष पर पुरुषात्मा परम किंचित साकार साकार साकार, यहाँ पे निषेध प्रक्रिया है। उसके बाद ये
याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेय को जब बोला कि कस्मिन् आकाश हो तुम चाहे तब चाहे जब इसको अक्षर लेकर के आकाश हो तुम जब तक अक्षर का लक्ष्य क्या है और विश्वमा प्रजमा को थ्रमा बोल रहा है सारा निश्चित प्रतिपदन करते साकल ब्राह्मण में शेष रेति रेति आत्मा अग्रियो नहीं ब्रियत अशीलो नहीं शीलियते यही आत्मा की प्रतिपदन करते हैं वहाँ पे नहीं साकल ब्राह्मण पूज्य ब्राह्मण पूज्य ब्राह्मण और आत्मा और जो शरीर ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण में लास्ट में बाईसवा कंडिका देखना बाईसवा या तेईसवा कंडिका होगा वहाँ भी यही चीज को रिपीट किया मतलब शास्त्र के अभिप्राय का जिस शिष्य का प्रतिपादन करते हैं उसको हम बार बार घुमा घुमा करके अभ्यास लिंग है ये अभ्यास लिंग है निषेध मुख से प्रतिपादन इसलिए बोलते हैं कि प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति रीति सिद्ध में अनर्थ निवृत्ति सिद्ध होता है ठीक है। अब चाहे देखिए जो हमें टीका में भाष्य टीका का लिखते हैं प्रतिषेध जनित जो प्रति लिखा ना प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल ठीक है ना इसके अर्थ लिखते टीका का प्रतिषेध जनितम विज्ञानम निषेध कर अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ निषेध है इस निषेध के माध्यम से सब निषेध करते करते जो आपके अंदर जो मनोवृत्ति उठ रहा है ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं हूँ हाँ तब मैं क्या ये चिंता शुरू ये प्रतिषेध विज्ञान प्रतिषेध जनितम विज्ञानम एवं प्रमाणम प्रसिद्ध प्रतिषेध जनित वैज्ञानिक इसके लिए प्रमाण है तस्य व्यापार जन्म उसका व्यापार क्या है केवल उत्पन्न होना तेन समकाल अनर्थ निवृत्ति जैसे उत्पन्न हुआ क्योंकि वो अद्वैत भेद को नाश करके उत्पन्न होता है भेद को नाश करके उत्पन्न होता है तेन समान काल अनर्थ निवृत्ति योजना है ना समकृति इस प्रकार इसका अन्वय करने का किसका प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल ठीक है ना तत्र हेतु उसके विषय में हेतु क्या दिया था ये आगे आएगा आप यहाँ पे आ जाइए न अंत प्रज्ञ विधि तेजस प्रतिषेध अर्थ कर रहे हैं मूल का अर्थ कर रहे हैं मूल का अर्थ कर रहे हैं क्या बोलते हैं न अंत प्रज्ञ मतलब तेजस का प्रति मतलब क्या हो गया व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन व्यष्टि परिच्छिन्नता मुझ में नहीं आता है सूक्ष्म होता है स्थूल न बहिष्प्रज्ञ विधि विश्व प्रतिषेध न उभय प्रज्ञ विधि उभय प्रज्ञ मतलब जागृत स्वप्न का अंतराल अवस्था ठीक है ना जागृत स्वप्न अंतराल अवस्था प्रतिषेध माता ये बोला था आपको यदि इसको समझना चाहते हैं कोई नया जगह पे अंधेरे के समय पहुंचिए आप शुभ अचानक आपका नींद खुल गया आपको कुछ पता नहीं है घर के तब आप जगे हुए तो भी आपका स्वप्न जैसा लगे न प्रज्ञान घनम इति सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध स्वप्न घन का सुषुप्त अवस्था को निषेध कर दिया बीज अभाव अविवेक रूप इसको ये जो सुषुप्ति अवस्था प्रतिषेध है ना इसको लिखना है इसमें हेतु दे रहा है ठीक है ना प्रज्ञान घन इति सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध सुषुप्त अवस्था को प्रतिषेध क्यों किया हेतु क्या है बीज अभाव बीज भाव अविवेक रूपत्व बीज भाव जो क्या है अविवेक अज्ञान वो सुषुप्ति वो है उस हेतु है उसका भी अभाव है किसमें आत्मा हमेशा विज्ञान है उसका एक महात्मा वाला कथा सुना है एक व्यक्ति आया किसी के पास गुरु जी मैं कौन हूँ ये समझा तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कई प्रकार के बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा तब बोला कि ठीक है आज ये सब समझाने का बात छोड़ो उनके कथा सुनाते हैं यार ये सब छोड़ो ये थोड़ा समझ में बोलते हैं हाँ सुनाइए सुनाइए उस बंगाल एक देश के एक राजा था बहुत सुंदर हृष्ट पुष्ट वरिष्ठ और वो अकेला जो है शिकार खेलने जाता था अकेला शिकार खेलने एक बार क्या हुआ शिकार खेलते खेलते जंगल में खो गया जंगल में खो गया तो फिर घूमते दूर में एक जगह पर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया तो जब उसका पास पहुंचा तो बदबू आने लगा तब देखते हैं वहाँ पे सब हड्डी पसली सब ये सब मतलब मुद्दा फिर हड्डी पसली ये सब पड़ा हुआ दीदा ये सब पड़ा हुआ एक चमारू की बस्ती था चमारू की बस्ती था हड्डी पसली चार पाँच सौ लेकर भी व्यापार करते हैं तो राजा बोलता है कि देखो अंधेरा हो गया मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा बदबू तो आ रहा है उसको समझे परंतु मेरे पास रात को तो रहने को मिलेगा रात भर घूमते घूमते जो थक भी गया था तो तू यहाँ रहने का लायक नहीं वो लोग देख के तो समझ गया था कि तो तू यहाँ रहने का लायक नहीं है परंतु वो बोलता है कि नहीं मैं थका हुआ हूँ मेरे को थोड़ा रहने दिया तो वो लोग बोलते ठीक है रहने दिया
मैंने आश्रय दिया, और आश्रय दी थी वो वहाँ पे, तो थोड़ी देर में वो थका हुआ था तो वो खुशबू उनको बदबू उसको धीरे धीरे वो होकर के 9 बज गया 10 बज गया उठ ही नहीं रहा। तब मैं उठाया, अरे उठो अभी जाओ, बोलते थका हुआ थोड़ा सोने दो, सो रहा। तो फिर उठा, फिर मैं उठा तो कुछ खाना खुना दिया, तो कोई लड़की आया उसको खाना खुना दिया। इतने में राजा तो थे ही, तो उसका जो है लड़की से कुछ मन लग गया, तो फिर 2-4 दिन और वहाँ रहने लग गए। और फिर जब लोग बोलते हैं भाई अभी तो जाए यहाँ से, तो जा नहीं जाऊँगा। इतने में वो भी सुनता है, ऐसा बेकूफ राजा कौन है, वो तो तू है, ये जो ये चमड़े का थैली सारा गरा चमड़े का थैली में घुस करके उसे निकालना नहीं चाहता। ये बता उसको समझ में आया, तब उसको समझ में आया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सारा बोली है धंडी बसली टट्टी टट्टी बसा भी थैली में घुस करके यहाँ से बाहर निकालना नहीं चाहता। ये मेरा ये बोलते हैं ये बोला साहब ये राजा तू नहीं, कई बार इस पर दो तीन प्रकार से भगवान भाषा का कथा के माध्यम से कुछ। तो न प्रज्ञान घनम इति सुषुप्त अवस्था प्रतिशत, सुषुप्त अवस्था की प्रतिशत कहते हैं क्यों, बीज अभाव बीज भाव अविवेक रूप बनता है। सुषुप्त क्या था, बीज भाव है वहाँ पे ना, अविवेक रूप बनेगा फिर आत्मा ये नहीं है, ये तुरीय में नहीं है। इसलिए आपके तो टीका में जो लाइन पढ़ रहे थे ना, तत्र हेतु माह तत्र मतलब किस विषय में, वो जो न प्रज्ञान घनम इति सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध, सुषुप्त अवस्था का निषेध किया प्रज्ञा क्यों, क्योंकि वहाँ पे बीज भाव का अभिवेक है सुषुप्त अवस्था में, है ना। बीज भाव मतलब सब सब चीज का अभिवेक है वहाँ पे, उसका अभाव है कहाँ पे, तुरियो किस हेतु दे रहे हैं, तत्र हेतु बीज तत्र हेतु कहाँ पे लाएंगे, ये वो जो बीज भाव है ना, हाँ उसके वहाँ पे प्रतीक इसके मतलब सुषुप्त अवस्था में, वो नहीं न तट गए कहाँ से आचरण कहाँ गया चल रहा था उसके प्रसंग अचानक ही कहाँ से आ गए इसको लेकर। सुषुप्तम ही स्वप्न जागृत प्रति बीज भाव, ठीक है ना, सुषुप्त क्या है स्वप्न और जागृत, जैसे बोला था ना चेतमुख, चेतमुख आया था मतलब स्वप्न और जागृत के प्रति वो बीज भाव है, स्वप्न जागृत प्रति बीज भाव तस् अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूपत्व, क्योंकि समस्त विशेष विज्ञान का अभाव है वहाँ पे कहाँ सुषुप्त अवस्था में, तस् अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूप उसको क्या है समस्त विशेष विज्ञान के अभाव रूप है वहाँ। इस टिप्पणी का बोलते हैं ध्वंस प्राग अभाव है, मतलब चाहे प्राग अभाव हो चाहे प्रध्वंस अभाव हो, कारण अस्तित्व अस्तित्व उपचार अर्थे, मतलब वो प्राग अभाव मतलब क्या है इसका अभाव, स्वयं का बीज का मतलब अभाव वहाँ पे प्रध्वंस नाश होगा लेकर के बोलते हैं कि तस् अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूपत्वात् विशेष विज्ञान सर्वेशम घनम एकम साधारण, विशेष विज्ञान का जो भी है वो किस रूप में है, एक घन रूप में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, विशेष विज्ञान घन रूप है, विशेष विज्ञान सर्वेशम घनम एकम साधारण अभिव्यक्त सुषुप्त प्रतिषेध, जो अभिव्यक्त रूप सुषुप्त है उसका निषेध किया जाएगा किससे, न इत्यादि न मतलब यहाँ पे न प्रज्ञान घनम इति सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध बीज भाव अविवेक रूप, बीज भाव अविवेक रूप न प्रज्ञम इति, ये प्रज्ञम इति मतलब जुगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, एक साथ सबको जान लेता है जो लोग ऐसे समझते हैं निषेध करता है, ये किसी वस्तु को नहीं जानते हैं, इसीलिए होता है न प्रज्ञम इति जुगपत सर्व विशेष प्रज्ञातृत्व प्रतिशत, एक साथ समस्त वस्तु को जान लेता है, चलते बोलते ना सर सर्वज्ञ भवति, ऐसे नहीं कि एक साथ सबको, ये भी नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है, प्रमाता ही मर गया। इसलिए तो वेदांतिक समाधि और वेदांतिक ज्ञान कुछ भिन्न है, कुछ भिन्न है, योगियों को जो ज्ञान होता है वो बात अलग है, वो मन को एकत्र करके मन को बचा के रखता है क्योंकि प्रकृति है, वो मन बुद्धि को बचा के रखता है, वेदांति मन बुद्धि तक नाश कर देते हैं तो प्रमाता है ही जाएगा जानेगा कैसे, उसी जाते बोलते हैं कि युगपत विषय युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध समस्त विज्ञान विषय की जो प्रज्ञा उसका निषेध किया जा रहा है। 2 नंबर टिप्पणी में पाठकेन विराट आदि निषेध मनुष्य करते हैं, मतलब अलग अलग जो विराट विश्व तेजा मतलब क्या मतलब विराट हिरण्य कर सब निषेध को मन में रख के दिए, मतलब युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध निषेध करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टीका मिलास्त है, सुषुप्तम ही स्वप्न जागृत प्रति बीज भाव, ठीक है, सुषुप्त स्वप्न जागृत बीज भाव है तस् अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूप समस्त विज्ञान पर विशेष विज्ञान नाम सर्वेशम घनम एकम साधारण, विशेष विज्ञान का एक घनवत घनीभूत मूर्ति है कौन सुषुप्ति,
अभिवक्तम सुषुप्त है, उसमें अभिवक्त रूप में सुषुप्त दिखाई पड़ रहा है। तत्प्रतिषेध वो घनीभूत रूप है परंतु प्रज्ञान घन है, बीज का घन भाव नहीं है। तुरीय ईश्वर क्या है? बीज के साथ घनीभूत भाव है। तुरीय क्या? शुद्ध घनीभूत भाव है चेतन, वहां पे बीज का घनीभूत तक नहीं है। ये भी होता है, इसे भी होता है प्रतिशोध न इत्यादि न सम्म प्रतिशोध न इत्यादि न प्रज्ञम जो के पास विशेष प्रज्ञा की प्रतिशोध न अप्रज्ञम, परंतु वहां पे चेतनता की अभाव नहीं है, बीज की अभाव है, चेतनता की अभाव नहीं है। ठीक है ना? सुषुप्ति में क्या है? चेतनता नहीं है, सारा बीज बोध नहीं होता, मतलब जागृत को सुषुप्ति बनावता कर जाएगा, बीज नाश होकर के शुद्ध चेतन है। इसे बोलते हैं न अप्रज्ञमिति अचेतन में प्रतिषेध, मतलब चेतनता नहीं है, ये बात नहीं है, चेतनता हमेशा बाहर है। अरे ठीक है, अरे आज किसको बोलना है? तीसरा वाला दूसरा वाला पूछेगा दूसरा प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे। ठीक है, प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नाम अंतरस्थम भूतान्यालोकमग्नान्यविरलं जननकाह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारणमृतमिदं मम रेन्दुर्लभं भूतये तो ह्यस्तं पुच्छाभिपुच्छं परमं गुरुं पादपादैर्नमः श्रीः।